बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी श्याम जाजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। आखिरकार ये कार्रवाई की गई, क्या संगठन पर बहुत दबाव था? सवाल दबाव रहने का नहीं है, सवाल व्यवहार का है, सवाल कार्य पद्धति का है। लोक प्रतिनिधि में जनजीवन में सामाजिक जीवन में काम करते हुए कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके डूज एंड डोंट्स के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कोई नॉर्म्स है उसके आधार पर कोई भी अनुशासनहीनता हम बर्दाश्त नहीं करते। ये एक्शन लेकर हमने यही मैसेज दिया है, यही हमारा संकेत है कि इस प्रकार की बातें पार्टी में बर्दाश्त नहीं की जाती। इसलिए ये जो हमने संस्तुति की थी इनके निष्कासन की, उसको ये हो गया है और निष्कासित हो गए। श्याम जाजू जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि आप राजनीतिक तौर पर जब सक्रिय होते हैं तो एक पब्लिक फिगर होते हैं, आपका एक चरित्र होना चाहिए, लोग उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन जो दबाव की बात मैं कर रही हूँ वो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि पहले निलंबन हुआ, फिर दो दिन बाद बर्खास्तगी हुई, तो ये जो दो दिन का वक्त लगा ये क्यों लगा? नहीं, पहले निलंबन तो उनका चल ही रहा था, इसलिए उनके एक दूसरे गुनाह के कारण उनको 3 महीने का निलंबन हमने किया था और उनको नोटिस दिया जी। उसके बाद जब ये विषय आया तब हमने तत्काल प्रभाव से इनकी संस्तुति करने का रिकमेंडेशन दिया था। वो तो सिस्टम है हमारा, पार्टी में कोई भी विधायक और सांसद इन पर लोक प्रतिनिधि पर कार्रवाई करनी है तो वो अधिकार केंद्र का है, केंद्र की ओर हमने संस्तुति करनी होती है और केंद्र उस पर ठप्पा लगाता है जी। तो ये बात है, ये कार्य पद्धति की बात है, वर्किंग स्टाइल की बात। श्याम जाजू जी, राजनीति में परसेप्शन ही सब कुछ होता है, आप एक फैसला लेकर अपने लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं, क्या ये संदेश जनता से ज्यादा कार्यकर्ताओं को है, उन लोगों को है जो सत्ता के करीब आने के बाद या सत्ता का हिस्सा बनने के बाद आसमान में उड़ने लगते हैं? और प्रधानमंत्री ने भी यही संदेश दिया था, भारतीय जनता पार्टी में जो असली चेहरा है, जो रियलिटी है और जो बताने वाला चेहरा है, इसमें हम अंतर नहीं करते। हमारे सभी लोक प्रतिनिधि से हमारी वही उम्मीद रहती है जो जन सामाजिक जनजीवन में जिनको व्यवहार करना है उनको उसके नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। उसके लिए कोई व्यक्तिगत जीवन अलग है और सामाजिक जीवन अलग है, ऐसा नहीं होता है। इसके आधार पे हमने ये कार्रवाई की है और पार्टी उस पर कायम है जी। बहुत शुक्रिया आपका श्याम जाजू जी, आप जुड़े हमारे साथ, उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी, जिन्होंने कहा साफ तौर पर ये एक ऐसी कार्रवाई है जिसका कार्यकर्ता अनुसरण भी करेंगे।